रेफरेंस, तो आज हम एक नया क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, 4xMSAA ऑन करने के क्या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, कई लोग जो है गेमिंग के लिए या फिर परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए अपने डिवाइस में ये परफॉर्मेंस वाले फीचर्स जो दिए जाते हैं, एंटी अलियासिंग टाइप के और GPU रेंडरिंग जैसे चीज़ें, तो इनको इनेबल करते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कॉमन बता देता हूँ, कंप्यूटर में और मोबाइल में एक चीज़ कॉमन है कि जब भी कंप्यूटर को एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए है तब वो ज़्यादा पावर यूज़ करता है। इवन अगर आप लैपटॉप की भी बात करें, वहाँ पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है। जब आप अपने लैपटॉप को ज़्यादा पावर वाली चीज़ एप्लीकेशन गेमिंग के लिए यूज़ करेंगे तो आपके जो लैपटॉप है उसकी पावर ज़्यादा यूज़ होगी। जो प्रोसेसर होता है ना गाइस, i7 i3, ये जो प्रोसेसर होते हैं जितने बड़े होते हैं उनको जितनी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। ठीक सेम चीज़ है एंड्रॉयड डिवाइस पे। तो जब भी आप गेमिंग टाइप के जो एप्लीकेशन हैं इनको रन करेंगे, इनको चाहिए ज़्यादा प्रोसेसिंग, और ये ज़्यादा प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करेंगे जो प्रोसेसर की पावर है उसको। और जब प्रोसेसर ज़्यादा यूज़ होता है देन यहाँ पे बैटरी ज़्यादा ड्रेन होती है, ये नेचुरल है। ओके, तो यहाँ पे देखिए होगा क्या, जो 4xMSAA जो फीचर है उसको आप जब इनेबल करेंगे अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे और किसी भी टाइप के फीचर को जो कि आपके एंड्रॉयड डिवाइस की परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, वो आपके जो परफॉर्मेंस है उसको बढ़ाएगा, तो साथ साथ में इससे आपकी डिवाइस का जो बैटरी है वो ज़्यादा जल्दी ड्रेन होगा, इससे आपका जो फ़ोन है हीट होने के चांसेस भी हैं। ये चीज़ नेचुरल है, इसलिए आप देखते होंगे जो गेमिंग कंप्यूटर्स होते हैं या सर्वर कंप्यूटर्स होते हैं या हैवी प्रोसेसिंग वाले डेटा प्रोसेसिंग वाले कंप्यूटर्स जो होते हैं उनको कूल डाउन करने के लिए कई सारी चीज़ें, कई सारी टेक्नोलॉजीज़ उसमें अप्लाई करी जाती हैं। इवन आप गेमिंग कंप्यूटर्स देखें आजकल के टाइम के, तो वो बहुत हैवी गेम प्रोसेस करते हैं एंड उसके लिए वहाँ पे कूलिंग टेक्नोलॉजी, लिक्विड कूलिंग जैसी कई तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, हार्डवेयर पार्ट्स को इनबिल्ट किया जाता है। इवन ग्राफिक्स कार्ड इसीलिए भी यूज़ किए जाते हैं ताकि जो CPU है उसके पास पूरी पावर ना जा करके ग्राफिक्स कार्ड पे स्विच हो जाए, यानी यहाँ पे जो प्रोसेसिंग का काम है वो और ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट तरीके से हो पाए, क्योंकि जो ग्राफिक्स कार्ड है वो ऑलरेडी बना होता है हाई परफॉर्मेंस गेम और एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझनी होगी, एंड्रॉयड डिवाइस पे भी सेम चीज़ अप्लाई होती है, ये कोई ज़्यादा डिफरेंट चीज़ नहीं है, बट ये सारी चीज़ें एक साथ ही एक जैसे ही काम करती हैं। अगर आप अपने एंड्रॉयड डिवाइस पे कोई भी ऐसा फीचर 4xMSAA या कोई भी अदर फीचर, मैं सभी को कवर कर रहा हूँ, मैं हर एक के लिए आपको वीडियो जो है इस चीज़ के लिए आई थिंक मुझे लगा कि एक भी वीडियो में ये कवर हो जाएगा, तो सारे फीचर्स जो कि आपकी एंड्रॉयड डिवाइस की परफॉर्मेंस को बढ़ाएंगे, गेमिंग में आपको मदद करेंगे, उन एप्लीकेशंस की मदद से हो सकता है आपका फ़ोन हीट हो सकता है आपको परफॉर्मेंस अच्छी तो मिले लेकिन आपका जो प्रोसेसर है वो ज़्यादा पावर उसमें यूज़ होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो एप्लीकेशंस की बात आती है गाइस, तो देखिए कई एप्लीकेशंस होते हैं, कई फीचर्स होते हैं जो आपके एंड्रॉयड डिवाइस के जो परफॉर्मेंस है उसको बेटर करते तो हैं, ऑप्टिमाइज़ कर देते हैं, जैसे कि पावर कम यूज़ होने पे भी आपको बेटर परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन मिल पाए। CPU के जो सॉफ्टवेयर है एंड हार्डवेयर है, या गेम के बीच में आप बात करें, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा जो CPUs होते हैं वो इनिशियली जब लॉन्च होते हैं तब वो इतने स्टेबल नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे जो नए फ़ोन्स आते जाते हैं तो उन्हीं के नए वर्जनस रिलीज़ होते जाते हैं। हालांकि एक ही CPU में ज़्यादा चेंजेस करने से जो है वो ऑप्टिमाइज ज़्यादा नहीं करते, लेकिन उसी जनरेशन के अंदर वो नए CPU नंबर्स को या फिर नए CPU को लॉन्च करते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अलग अलग CPU के अलग अलग वर्क होता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो CPU है वो भी एक प्रोसेसिंग के रिलेटेड बनाए जाते हैं, और इसीलिए जो हाई प्रोसेसिंग CPU होते हैं वो एंड्रॉयड डिवाइस में लगे होते हैं, उसकी वजह से जो एंड्रॉयड डिवाइस है वो ज़्यादा हैवी गेम प्रोसेस कर सकता है, कम पावर पे ज़्यादा टास्क को कंप्लीट कर सकता है। जैसे i7, i5 और i3, इन तीनों में जैसे अंतर है सेम चीज़ है एंड्रॉयड डिवाइस पे भी, जो प्रोसेसर्स हैं वो पावर एफिशिएंट और बेटर होना चाहिए। एंड इसके बाद आप कोई भी गेम प्ले करिए, आपको जो गेम है एप्लीकेशन है वो बहुत स्मूथली रन होगा, और आप जिस भी गेमिंग फीचर का यूज़ करेंगे वो भी बहुत अच्छे से CPU के साथ ऑप्टिमाइज करके आपके गेम को अच्छे से चलाने में मदद करेगा। सो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम एंड इश्यू नहीं होगा, बिकॉज देखिए जितने फीचर्स आपको दिए जाते हैं वो सभी आपके एंड्रॉयड डिवाइस पे यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आपको समझ आया होगा क्या आप 4xMSAA एनेबल कर सकते हैं या नहीं। सब कर सकते हैं लेकिन एक अलग टाइम फ्रेम पे एक अलग टाइप की एप्लीकेशन और गेम को रन करने के लिए। और अब आपको पता है कि आपका फ़ोन अगर हीट होगा तो क्यों होगा, उसके पीछे का रीज़न। ऑलराइट गाइस, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।